हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं महादेव तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल के एक प्रॉब्लम के बारे में। तो वो प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है। तो मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम एक्सेल में आता है तो उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम क्या है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो नंबर जो है ऑटोमेटिक डेसिमल में चेंज हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर टाइप कर दूंगा तो वो डेसिमल्स में चेंज हो जा रहा है। आप इस एक्सेल के किसी भी सेल पर नंबर को टाइप कर लो, वो एक ऑटोमेटिक जो है वो डेसिमल्स में चेंज होते जा रहा है। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे फाइल दिखेगा, इस फाइल पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे ऑप्शंस दिखेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इस तरह का कुछ डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सेकंड नंबर पर दिखेगा ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए डेसिमल्स पॉइंट। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये टिक है, तो इसको अनटिक कर देना है, मतलब कि इसको अनसिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से ओके करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ओके करने के बाद यहाँ पे कोई सा भी नंबर आप लिखते हो तो वो नंबर जो है वो डेसिमल्स में आप देख रहे हो चेंज नहीं होगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है एक्सेल में जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट जरूर पूछें, मैं हर एक डाउट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।